अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब मज़े में फिट फाट होंगे। फाट भी कुछ लोग होंगे, फैट, सॉरी। अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी है दिसंबर की, तो माँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप सब बच्चे बच्चों को संभाल संभूल के रखें। हम जा रहे हैं ज़रा आउटिंग पे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम जा रहे हैं अपने भाई गाँव, मैं आपके साथ मेमोरीज शेयर करूँगी सारी, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, आई होप सब इंजॉय करेंगे। हम अभी हैं, अभी ऑन द वे हैं। ये हमारा गांव कसूर से आगे है, ये मैं आपको सारी कसूर की रोड्स दिखा रही हूँ। एक्चुअली हमारा फॉर्म हाउस सारा न्यू रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है, हम उसे विज़िट करने जा रहे हैं, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। हम ऑन दी वे हैं। ये सारे पहाड़ आपको बाबा कमाल चिश्ती का मज़ार है कसूर में, ये बहुत ही अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, ये पाक नेक अल्लाह के बंदे हैं, उनका मज़ार बना हुआ है, उनका एक नाम है कसूर में। और 1971 की आई थिंक जंग में पाक बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा हाथ था उनके कमाल, और आप उनके वीडियोस उनके बारे में सर्च करें तो आपको इसके बारे में इलम होगा। हम उनको गुजर के अब आगे जा रहे हैं। हम ये देखें सारा, हम उससे आगे आए हैं, हम ये उन्होंने न्यू तमीर हुआ है, ये सारा नया ही बना है, इससे पहले नहीं देखा था कसूर में, तो अब काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें बन रही है, डेवलप हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट है ये भी। ये खुश आमदीद कसूर का इन्होंने मेंशन किया, वो दूर से देखें आपको मज़ार का आएगा नज़र, इंशाल्लाह कभी लगा तो आपको इसका मैं मज़ार का भी अंदर सा सारा दिखाऊंगी। यह पेट्रोल पंप से हम गुजर रहे हैं, ये टोयोटा पेट्रोल पंप, और बच्चे बार बार मेरे कैमरे के आगे हाथ काट रहे हैं। एक्चुअली ये देखें आगे बच्चे बिजी हैं, ये मरिया मेरे साथ बैठी हुई है, और अबीहा अपने दादा के साथ, और इब्राहिम भी आगे बैठे हुए हैं, इनको तंग कर रही है। चलिए मैं आपको आगे सारे इसका विज़िट करवाती हूँ, आप सब इंजॉय करेंगे। अब हम गांव की सड़क पे आ चुके हैं, इसे तकरीबन 10 मिनट्स का है, मैं आपको क्लिप्स थोड़े थोड़े से बनाए हैं, आप बोर नहीं होंगे, इंजॉय करेंगे। ये सारा ये देखें कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, फोगी सा वेदर है, बहुत ही मज़े का अचानक ही प्रोग्राम बना, जैसे ही हमें पता चला कि वहाँ पे अब हमारा फार्म हाउस, एक्चुअली मेरे इन लॉज हैं बिलोंग करते हैं गांव से, तो वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा है आना जाना, तो मेरी जो हस्बैंड की पुप्पा हैं वो भी अभी गांव में स्टिल हैं, लिव करती हैं उधर ही। ये देखें अबीहा वो चाह रही है कि मैं ड्राइव करूँ, तंग कर रही है, ये हेल्प कर रही है अपने बाबा की गाड़ी को चलाने में। हेलो अबीहा, इसको मैंने बाल करा दिया बच्ची को, इसके हेयर्स टिंट करवा दिए, पर से टिंट सूट की है, बच्चे रास्ते में बहुत उन्होंने तंग किया था, को पता है बच्चे अब सफ़र करते हैं तो इनका अपना ही मज़ा है। ये अब हम देख रहे हैं अब फोगी से वेदर में, आई होप आप इंजॉय करेंगे। तो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ वो उधर फार्म हाउस को डिसकंस्ट्रक्ट किया है सारा, तो वो मैं हम भी फर्स्ट टाइम विज़िट करने लगे आफ्टर रिकंस्ट्रक्ट, तो मैं आपको भी इसके सारी क्लिप्स दिखाऊंगी, शॉर्ट शॉर्ट से क्लिप्स अपने बनाए हैं, आई होप आप इंजॉय करेंगे। अब हम अपने रवाना हो चुके हैं, तकरीबन 2 मिनट्स का ही फासला रह गया है। प्लीज़ नो बैड कमेंट्स कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ या ब्ला ब्ला जो भी आप कमेंट्स करते हैं, मैं बस सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ विलेज लाइफ, जो हम तो अक्सर एक मंथ में तो मस्ट विज़िट करते हैं इधर का, बच्चों का एंजॉय हो जाता है और बच्चे अपने इन टच रहते हैं अपने वैल्यूज से, ये हम बस पहुँचने ही वाले हैं। दिस इज़ द ओरिजिनल व्यू ऑफ विलेज लाइफ, ये बिल्कुल बराबर में ही है
गायें सुबह सुबह का टाइम है, चारा खा रही हैं तकरीबन आई थिंक 11 o'clock का टाइम है। ये फ्रंट का व्यू है, ये सारा, ये है हमारा न्यू फार्म हाउस। प्लीज़ सबसे माशाल्लाह, ये इब्राहिम सबसे पहले एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ अंदर, हम अंदर एंटर हो चुके हैं। ये एक्चुअली पहले हम सारा विजिट कर चुके हैं, उसके बाद मैंने आपके साथ वीडियो बनाई। ये इधर को स्ट्रेट जाती हैं, वो वॉशरूम है, ये बैठक ड्राइंग रूम कह लें। इधर चारपाई ट्रेडिशनल विलेज की, इधर सोफे रखे हुए हैं, अच्छा फर्नीचर लगा है हमें, एक्चुअली ये सब पसंद है भाई की एंड मेरे हबी की। ये एंट्रेंस का डोर है, ये अबीहा, हाउ क्यूट यार, मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रही है वीडियो में दिन में। ये हम एंटर हो रहे हैं, ये देखें अबीहा, आय माशाल्लाह। ये है इधर वेंट्री बनाई है, ये किचन है, किचन में एक्चुअली काम कर रही थी तो सब जानते हैं गांव की थोड़ी। ये सारा हाल है, दिस इज बेडरूम, ये सारा न्यू फर्नीचर किया है एक्चुअली। यहाँ पे भाई का यानी मेरे और हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह का बहुत ही यहाँ पे होता है आना जाना, तो फैमिली भी अक्सर गेट टुगेदर होता रहता है, तो इसी वजह से मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारा रिकन्स्ट्रक्ट करवाया। ये हम मेन बेडरूम में एंटर हो रहे हैं, ये मेन बेडरूम में हम एंटर हो चुके हैं। इसका फर्नीचर आप देख रहे होंगे, लाइट्स वगैरह लगवाई हुई हैं, ये एक्चुअली गाँव के हिसाब से ही बनवाया है लाइट्स वगैरह। यहाँ पे तो आप लोगों को पता है किस किस्म का चीज़ों से हिसाब से रहन सहन, जैसी घर वैसे रहन सहन। ये मरियम है, शी इज़ लिटल कैमरा शे, ये आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज टोटली न्यू, हमें तो बहुत ही पसंद आया। आई होप आपको मेरा न्यू फार्म हाउस हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा। कि प्लीज़ से माशाल्लाह एंड नो बैड्स कमेंट्स, अगेन मैं आपको कह रही हूँ। ये अब उन्होंने सारा अरेंज किया था ठीक का, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सर्दी थी और चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, इन्होंने एग्स बॉयल किए थे साथ बिस्किट वगैरह, तो हम लोगों ने तो वो इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया। और फिर आपको मैं आगे गांव का विज़िट करवाती हूँ चाय पी के, सर्दी बहुत ज़्यादा है। चाय इन्जॉय करने के बाद सर्दी का थोड़ा प्रेशर कम हुआ, और तो मैंने अब सोचा कि आपके साथ पूरे गांव की थोड़ी क्लिप्स शेयर किए जाएं। एक्चुअली यहाँ पे आपको कच्चे मकान थोड़े कम नज़र आएंगे, पहले थे जब हम आते थे, मैं मम्मी छोटे से थे तो तब वहाँ के बहुत ज़्यादा स्टे करते थे समर वेकेशंस में, एक्चुअली हम ज़्यादा इधर ही रहते थे। एक्चुअली मेरे इन लॉज मेरी खाला हैं, तो आप कह रहे होंगे कि मैं कैसे आके हम इधर रहते थे, तो इसी वजह से ये अब हम आपको इसका सारा आगे विज़िट कराते हैं। ये यहाँ पे झोंपड़ी वगैरह जो यहाँ पे लोग रहते हैं, ये सारे खेत, और इब्राहिम एज यूजुअल फिर से आगे बैठा हुआ है। आपको पता है लड़के वो कहते हैं, हम तो बाहर के सीन इंजॉय करी हूँ, बड़ी हम थोड़ी लिटिल बिट मम्मा गर्ल है, वो मेरे साथ ज़्यादा रहती है चिपकी चिपको। ये सारे आप देख रहे होंगे, ये ज़्यादा अभी जो हम इस दौरान आए हैं तो यहाँ पे ज़्यादा आलू की फसल लगी हुई है। आलू बता रहे थे कि ये आलू, ये सारी आलू की फसल है, और तकरीबन इसको 40 दिन हो गए हैं, आई थिंक 40 दिन हो चुके हैं इसको लगे हुए, इसलिए आपको ये
ज़्यादा थोड़े ग्रो अप हुए हैं। इधर भी ये सारी आलू की फसल है। ये आपको अभी जितने भी खेत नज़र आएंगे इसमें ज़्यादातर आलू की ही फसल नज़र आएगी। ये मेरे को मैं जूम करके दिखा रही हूँ, नीचे तो नहीं मैं जा सकी। ये गाड़ी के चलते चलते मैं आपको उसका थोड़ा लेटर से क्लिप्स मैंने बनाए हैं, क्योंकि सीज़न आलू की फसल का है दिसंबर नवंबर में, ज़्यादा फार्मर्स आलू ही लगाते हैं। और कहीं कहीं ये चावल की थी फसल, कहीं गाय का चारा उन्होंने किया हुआ था। ये देखें सारा, ये भी इन्होंने खेत की, वो जैसे ट्रैक्टर के साथ वो खेत की करते हैं, बनाते हैं हल चला के, ये सारी उन्होंने भी बनाई हुई है। आई थिंक इधर लगाएंगे फसल। मैं आपको अपनी भी दिखाऊंगी ज़मीनें सारी। ये किसी और के जो पीछे मैंने दिखाई थी, जहाँ पे आलू मैं बता रही थी आपको 40 दिन के हो चुके हैं, वो हमारी थी। ये हमारे रिलेटिव है, ये उनकी है। आपने मेरा सेल पानी में गिराया था ना? हाँ। से बेबी ने मेरा सेल पानी में गिरा के उसे खराब कर दिया। खराब कर दिया मछली जाल की वानी सा दिया पन्ना है। आगे 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 पन्निया सिंगापुर पानी हाथ लाओ, डस जाएगी पानी चिखा लो, मार जाएगी पानी पे लखो, खुश हो जाएगी खुश। अभी आपने मरियम की पोइम एंजॉय की होगी, इसने कहा मैंने आपकी पोइम पढ़नी है। मैं चलो बेटा, सारे रास्ते उन्होंने ऐसे ही शोर लगाए हैं। ये है ट्यूबवेल, ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि जैसे गांव में सारी ज़मीनों को पानी लगाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे वैसे कोई टैंकी वगैरह तो होती नहीं, उन्होंने मोटर लगा के वैसे सारी ज़मीनों को पानी पहुँचाते हैं। उन्होंने छोटी छोटी सी ऐसे रास्ते बनाए होते हैं जो सारा उनको ये पानी लगता है। ये आप सारे खेत वगैरह देखेंगे, मैं आपको गाड़ी से उतर के भी आपको सारा विज़िट करवाऊंगी। ये एक्चुअली हम अपनी जहाँ पे हमारे रिलेटिव की एक हवेली है, और उधर जा रहे हैं, और उधर ही पास में हमारा सारा जितना भी है गायें रखने का एरिया, मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी, वो मज़े वाले हैं। ये देखिए अब आप खेत ही इंजॉय करें। देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, वो कितना अच्छा भी डरावा। एक एक पट्टे डग गए जाया उठ के, पट्टे ज्यादा भीगे, ट्रीज आ गई हैं, दिस इज शीट आओ दिशा, कितना बड़ा ट्री आया है। गाड़ी आया है,
Mariam, look at me. Hello. यहाँ आपने पीछे वॉइस ओवर देखी मरियम की. आई होप आपने इन्जॉय किया होगा. वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वो मैंने ओरिजिनली वीडियो की रहने दी है. उससे थोड़ी लिटल बिट अपनी पोइम्स वगैरह की हुई थी, इसलिए मैंने उसे कट ऑफ नहीं किया. आई होप आपको भी इन्जॉय करेंगे आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन के. ये जो मैं आपको बता रही थी कि हम हवेली पे जा रहे हैं, कि जहाँ पे हमारा सारा सेटअप है, वो पीछे ट्री की मैं आपको स्टोरी बताऊँ, वो तकरीबन आई थिंक 15 से 14 ईयर्स हो गए होंगे उससे लगे हुए को. ये सामने ये भी घर बहुत ही पुराना है. ये अब देखें, ये सारे मुर्गियाँ मैं आपको बता रही थी कि जहाँ उन्होंने मुर्गियों का घर बनाया हुआ है. आगे बिल्कुल अगर आप सामने देख रहे होंगे, ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं गाँव के सादा से लोग होते हैं. अब तो सादा से लोग अब कह नहीं सकते कि गांव के भी सादा लोग होते. अब टेक्नोलॉजी ने बहुत ही एडवांस कर दिया लोगों को भी. ये उन्होंने हंस का थोड़ा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है. इसको मैं आपको आगे इसका घर दिखाती हूँ. इन्होंने आगे वो जो छोटी सी झोंपड़ी नुमा बनाई हुई है, जहाँ पर मुर्गियाँ रात को रहती हैं, सुबह को यहाँ पर पूरा इंजॉय करती हैं, टहलती हैं. ये देखें देसी मुर्गी, ये मरियम पकड़ रही है हमें. ये मैं आपको कह रही थी ना, उन्होंने हंस का मुर्गियों का छोटी सी झोंपड़ी बनाई है, जहाँ पे ये रात को स्टे करती हैं. ये वो वाली है, यहाँ पे पानी के छोटे छोटे से उन्होंने रखे हुए हैं थाल, दाने का ये उन्होंने बनाया हुआ है, सफाई इन्होंने की हुई. ये इधर को ये सारी जितनी आप देख रही हैं, ये सारी हमारी ज़मीनें हैं. मैं आगे नहीं जा रही, मैं आपको पीछे इसका सारा जो है वो आपको मैं विज़िट कराती हूँ. कुछ घरों का विज़िट करवाऊँगी, कुछ आगे वो सामने आप देख रहे हैं वो जो मकान बना हुआ है, यहाँ पे सारी गायें भैंसों का वो ढेर है. ये कुछ ये ट्रैक्टर ट्राले के टूल्स हैं, जिनको हल कहते हैं आई थिंक, वो है सारा. ये सामने है गायें भैंसे का डेरा, वो मैं आगे नहीं जाऊँगी, मुझे तो उनसे डर लगता है. लेकिन अभी वो पानी पीने आएगी यहाँ पे, वो मैं आपको छोटे से क्लिप उसका दिखाऊंगी. बड़ी मैंने हिम्मत करके बनाया हुआ, आई थिंक इसी वजह से मेरे आप वीडियोस को लाइक कर दें कि मैंने बहुत हिम्मत की है. भाभी मुझे बहुत रोक रही थी इसी तरह कि आप मत जाओ, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वो छोटा सा शॉर्ट क्लिप बनाया है. वो आगे बच्चे कह रहे थे कि भाजी आप आगे ना आइएगा, वो अब आ रही हैं. ये मोटर लगाई हुई है इन्होंने, चल रही है. बहुत डेंजरस का काम, डेंजर काम है. ये देखिए आ गई. ये देखिए मैं आपको कह रही था कि ये मैं शॉर्ट क्लिप आपके साथ उसका शेयर करूँगी. ये देखें, ठीक है जी, ये हैं आ रही हैं गाय भैंसें वहाँ सामने से. अभी मज़ीद हो रहेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइन बाय लाइन उन्होंने भेजा है. चलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि प्लीज़ इतना ना बनाएंगे, मैंने छोटा सा क्लिप बनाना है ना, एकदम वो झुंड सा आ जाता है तो वहाँ पे शूट करना बहुत मुश्किल हो जाना था. आपको इसका फ्रंट से दिखाती हूँ. ये पानी पी रही हैं. बाद में आपको ये बता रही थी, जो ये घर बहुत ही पुराना है, उन्होंने थोड़ी ये ईंटें वगैरह लगा के अभी थोड़ा सा न्यू बनाया है. ये देखें सारा गांव की लाइफ, गाय भैंस का चारा रखा हुआ है. ये कर रही थी खाना बना रही थी दोपहर का, तो कह रही थी कि एक मिनट मुझे इनसे सारा साफ़ कर लेना. कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो. लेकिन फिर भी उन्होंने फुर्ती से सारा साफ़ कर दिया. ये साथ ही इन्होंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हैं. उनके सामने वॉशरूम है. बहुत ही सादा सी ज़िंदगी होती है गाँव के लोगों की, बहुत हम्बल और पेशेंस हैं ये लोग.
आगे ये को देखें, ये हवेली है, ये तीन भाइयों की है, तीन फैमिली से आती हैं यहाँ पे। ये मैं आपको बता रही थी हमारे रिलेटिव की है, ये सारी इन्होंने गंदम स्टोर की हुई है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे एक फैमिली रहती है, इन्होंने दीवार की हुई है, अलग-अलग पोर्शंस बनाए हुए हैं। जैसे आपको बोला गांव के लोग भी लिटिल बिट एडवांस हो चुके हैं, इसलिए लिटिल प्राइवेसी, इसलिए उन्होंने सारा पहले नहीं थे ऐसे लहजा पोर्शन, अब आए हैं तो हम अब बने हुए हैं तकरीबन। हम इस दफ़ा हमारा काफ़ी देर बाद चक्कर लगे, ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ, क्योंकि हमारा वो जो सारा चल रही थी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और फिर इसलिए हमने थोड़ा अवॉइड ही किया कि अभी रहने देते हैं, बस पिक्स में ही देखते थे कि घर कितना मुकम्मल हो चुका है। ये देखें, ये हंडी बन रही है, राइस बना रही थी। ये दो पोर्शन का मैं आपको विज़िट करवा चुकी हूँ, दूसरा पोर्शन है, ये इस आगे है तीसरा, ऑलमोस्ट सेम ही है, घर में प्लांटेशंस की हुई हैं। आपको कह रहे होंगे कि घर बिल्कुल वरान से, लेकिन शूट की वजह से कोई इस कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं था। ये मरियम अभी बाहर से एंजॉय करके आ रही है। तो मैं जो आपको दिखा रही थी ना ये झोंपड़ियाँ, ये वो लोग हैं, मलंग इन्हें कहते हैं, उन्होंने ऐसे बना के उन्होंने स्टे किया हुआ, ऐसे ही गर्मी सर्दी ऐसे ही रहते हैं, अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है। ये जब हम वापस आए थे गांव का, मैंने आपको जो शॉर्ट से क्लिप बनाए हैं उससे वापस आए थे, तो खाना बिल्कुल रेडी था, एक्चुअली सिस्टम 4-4 तकरीबन बने हुए थे। ये देसी मुर्गी है जो आपको वहाँ पे ज़िंदा दिखा के आई थी, यहाँ पे अभी पकी हुई कढ़ाई में। ये मटर पुलाव है, अगेन देसी चिकन कढ़ाई, बहुत ही यमी बनी हुई थी। ये रोटी साथ बहुत ही यमी देसी चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, फिश था, रायता, बहुत ही मज़े से हमने तो इंजॉय किया। ये मेरी प्लेट है, एक्चुअली आपको विज़िट कराने के चक्कर में सारा घूमते रहे, आप तो आपको तो शॉर्ट क्लिप्स ही सिर्फ दिखा सकी हूँ। ये सारी आए, आप भी इंजॉय करें खाना हमारे साथ, यमी सा लंच इन विलेज। आई होप इंजॉय करेंगे आप मेरा व्लॉग, हमें तो बहुत ही मज़ा आया था। अब हम वापस जा रहे हैं, तकरीबन सुबह को आए थे, रात के 10 बज रहे हैं। ये मैं हम घर वापस जा रहे हैं, बहुत बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर मैं शेयर करेंगे, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, मैं भी अल्लाह हाफिज़ कर दो, आप भी इसको कमेंट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छा है सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।